Welcome to the 27th part of 300 important questions for SEBI general examination. My name is Pratik Taldar, and in the last video we were discussing about what does the IS curve in the ISLM model represents. Correct answer is option B, equilibrium, where investment is equal to saving in the good market. Next question. Which of the following accounting standard is related to cash flow statement? Correct answer here is AS3, which is option C here. Do let me know in the comment section ki iska respective Ind AS kaun sa hai. AS to 3 hai. Ind AS iska respective kaun sa hai? Do let me know in the comment section. The balance of fixed assets of Y Limited at cost at the year end 2020 and 2021 is 5,70,800 and 6,15,300. So 2020 ke andar balance kya chal raha tha? 5,70,800. 2021 के अंदर 6,15,300 respectively. During 2021, a machine costing ₹60,000 was sold. We need to determine the purchase of the fixed asset in 2021. 6,15,300 पे 2021 का balance था. 2020 के अंदर 5,70,800 का balance था. 2021 में 60,000 रुपए की मशीन तो हमने बेच दी थी, तो बेचने से पहले मशीनरी की क्या कॉस्ट चल रही होगी? 6,75,300 की चल रही होगी, राइट? बिफोर सेल. तो 2020 के अंदर तो सिर्फ 5,70,000 समथिंग की थी, और अभी कितने की चल रही थी? 6,75,300 की. तो ये जो इंक्रीमेंट आया है ये और कुछ नहीं, आपका परचेस का अमाउंट है जो आपने 2021 में किया होगा. 1,04,500 rupees the correct answer. B is the correct choice here. Next question. What does the book value per share of a company represent? Options are A, market valuation of each share based on the current stock prices. Bilkul bhi nahi. Ye market valuation thodi hota hai. B, the value of share based on historical cost minus the liability. C option, the total shareholder equity divided by the outstanding number of shares. C is the correct choice here. Book value per share is calculated by the total shareholder's equity, that is asset minus liabilities, divided by the number of outstanding shares. It represents the accounting value of a share and does not necessarily reflect the current market value or future possibility. Jo current market value ka amount hota hai, usko to hum market value per share bolte hain. Book value per share matlab aapka asset side pura minus aapke outside liabilities. ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आ गया, डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, दिस विल गिव यू द बुक वैल्यू पर शेयर का अमाउंट. अच्छा, इसको ऐसा बोलते हैं कि आज का आज अगर कंपनी को हमने लिक्विडेट कर दिया तो हर शेयर होल्डर के पास कितने रुपए आएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक वैल्यू पर शेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर द कंपनीज एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंपनीज एक्ट? सो द करेक्ट आंसर हियर इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सेक्शन है इसका 408 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था. डी इज द करेक्ट चॉइस हियर. इन व्हाट मैनर कैन अ कंपनी इशू डिपॉजिटरी रिसिप्ट इन एनी फॉरेन कंट्री एज पर सेक्शन 41 ऑफ द कंपनीज एक्ट? डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करने से पहले किसी फॉरेन कंट्री के अंदर कंपनी को क्या कंप्लायंस पहले करना पड़ेगा? सो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में, तब जाके आप अपनी डिपॉजिटरी रिसीट्स को किसी फॉरेन कंपनी के अंदर इशू कर सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट 2013. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट? आप लोगों को पता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, फिक्स का कंपोनेंट अलग, वेरिएबल का कंपोनेंट अलग. सेमी वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ बढ़ती जाती है क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल का कंपोनेंट भी होता है, पर उसी रेशो में नहीं बढ़ती जिस रेशो के अंदर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है क्योंकि उसके अंदर फिक्स का भी कंपोनेंट होता है, राइट? तो ग्राफिकल मेथड, हाई लो मेथड, लीनियर इक्वेशन मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये सारे के सारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए ही बनाए गए मेथड्स हैं. ई ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन सेल्स आर 3,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपको गिवन है 50%. अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता भी सेल्स पे ही बेस्ड है, सेल्स का 50% आपका जीपी हो जाएगा. एंड द एवरेज इन्वेंट्री, अच्छा एवरेज इन्वेंट्री सीधा ही दे दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करने की नीड नहीं है. व्हाट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री.
सबसे पहली गलती, स्टूडेंट्स जनरली सेल्स को डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से, 360,000 माइनस आपका जो जीपी रेशो आपको गिवन है 50%, वो आप हटा दोगे, 180,000 आपका कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सो 180,000 डिवाइडेड बाय 90,000 योर एवरेज इन्वेंट्री, टू टाइम्स ए इज द करेक्ट चॉइस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फैक्टर थ्योरी सजेस्ट दैट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कॉजेस डिससैटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में कौन कौन सा आएगा? एडवांसमेंट है, वर्किंग कंडीशन है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, परसेप्शन। वर्किंग कंडीशन बी इज द करेक्ट चॉइस हियर, विच कॉजेज द डिससैटिस्फैक्शन एंड दैट इज अ एक्सट्रिंसिक फैक्टर। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द मोनोपोली इन द लॉन्ग रन? द मोनोपोलिस्ट ऑलवेज अर्न अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू हाई बैरियर्स ऑफ एंट्री। द मोनोपोलिस्ट माइट लीव द मार्केट इफ परसिस्टेंट लॉसेज आर इनकर्ड। द मोनोपोलिस्ट हैज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। या फिर देर इज फियर्स कॉम्पिटिशन विच इंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज द मोनोपोलिस्ट फेसिस कॉम्पिटिशन फ्रॉम मेनी सेलर्स विद सिमिलर प्रोडक्ट्स। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द इक्विलिब्रियम मोनोपोली के अंदर? बी इज द करेक्ट चॉइस हियर, द मोनोपोलिस्ट माइट लीव द मार्केट इफ परसिस्टेंट लॉसेज आर इनकर्ड। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल? चूज द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट दो दे रखी है आपको, आपको बताना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज बीटा इज अ मेजर ऑफ सिक्योरिटीज रिस्क रिलेटिव टू द रिस्क ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। सेकेंड स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ बीटा मेजर्स बोथ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटीज। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Join iExamB and prepare 50% faster.